So hey guys, this is Kamil and you're watching Cap Production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है कैसे आप CapCut वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेवल का ट्रांजिशन वीडियो बना सकते हो। पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको इस वीडियो पर दिखाया है स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को आप जरूर से अंत तक देखना और स्टार्ट करना। ओके गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने CapCut वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो एड कर लेंगे। अगर वीडियो यहाँ पर ढूंढने पर नहीं मिलता है तो आप ऊपर में इस पर क्लिक करके आप अपने फोल्डर से डायरेक्टली अपनी वीडियो को ले सकते हो। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को सिलेक्ट किया, देन हमें ऐड के ऊपर क्लिक करके सिंपली आ जाना है CapCut के अंदर। तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो आ चुका है। सबसे पहले आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, एंडिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। देन डिलीट के ऊपर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाया था मैन्युअली किस तरीके से आप CapCut के अंदर स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। तो इसके लिए सिंपली आप अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, जिसका नाम है एनिमेशन या फिर आप की फ्रेम भी कह सकते हो। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप टाइमलाइन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, यानी ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है उसको आप थोड़ा आगे लेके जाएंगे। दोबारा आप की फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे एनिमेशन के ऊपर, और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपनी वीडियो को जूम करना है कुछ इस तरीके से। इसका पोजीशन आप सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है, कर्सर को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। दोबारा आप क्लिक करेंगे एनिमेशन के ऊपर एंड टाइमलाइन को आप थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। दोबारा आप एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी वीडियो को वापस उसी जगह लेके जाना है जहाँ पर आपका वीडियो पहले था। तो ये आप देख सकते हो हमारा वीडियो आ चुका है। अभी मैं अगर वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो हमारी वीडियो पर कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हो हमारे वीडियो पर कितना कमाल का ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाया तो आप अपनी वीडियो पर और भी बेहतरीन ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है, एंड देन आपको बीच में जो आइकन दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिल जाएगा। चलो सबसे पहले हम पुल इन ट्रांजिशन को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपकी वीडियो पर कुछ ऐसा इफेक्ट्स आ जाएगा। अभी अगर मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए आप दोबारा स्प्लिट करेंगे और इस पर आप अप्लाई करेंगे पुल आउट को, ठीक है। तो आप देख सकते हो पुल आउट अप्लाई हो चुका है हमारे वीडियो पर। उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद कर्सर को आपको थोड़ा आगे लेके जाना है। दोबारा आप कर लेंगे स्प्लिट और आपको ये जो बीच में क्लिप दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एनिमेशन चूज कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पर कॉम्बो चूज करेंगे, ओके। और यहाँ से बीसेक्ट वन इफेक्ट्स को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बीसेक्ट वन कुछ इस तरीके के इस इफेक्ट्स का नाम है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कर देंगे डन। अभी अगर आप अपनी वीडियो को प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो पर कुछ ऐसा एनिमेशन मिलेगा, आप देख सकते हो, यानी ट्रांजिशन जो कि काफ़ी गजब का ट्रांजिशन है। उसके बाद अगर आप दोबारा ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो तो अगेन स्प्लिट कर लेंगे और यहाँ से एनिमेशन को चूज कर लेंगे, ठीक है। अब एनिमेशन चूज करने के बाद आप यहाँ से कॉम्बो को चूज करेंगे। दोबारा आप यहाँ पर आ जाएंगे और बीसेक्ट नाम का जो इफेक्ट है उसको दोबारा आप अप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर गया है। तो ये हमारे पास मिल जाता है बीसेक्ट वन, या फिर बीसेक्ट टू को भी अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से बीसेक्ट वन सबसे बेस्ट है। तो ये अप्लाई हो चुका है दोबारा से। अगर आप वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन मिलेगा आपकी वीडियो पर। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाया था, यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया था, तो आप देख सकते हो CapCut के अंदर आप काफ़ी अमेजिंग ट्रांजिशन वीडियो बना सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको जितनी भी प्रोसेस बताया सारा प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो
तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन क्वालिटी का ट्रांजेक्शन वीडियो बना सकते हो। मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखा दिया। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आप इस कॉर्नर पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसका रेजोल्यूशन चूज करेंगे 1080p, फ्रेम रेट आप चूज करेंगे 60 fps। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए।